सो हे गाइस, मैं हूँ राहुल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप YouTube पे किस टाइम पे आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपको व्यू ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों, ये जो ऑप्शन होता है ना, ये हमारे YT स्टूडियो में ही होती है। मतलब कि मेरे अपलोड करने का एक अलग टाइम होगा, आपके अपलोड करने का एक अलग टाइम होगा। ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पे मैं अपलोड करता हूँ, अगर आप भी उस टाइम पे अपलोड कर दोगे तो आपके चैनल पे व्यू बढ़ेगी। इस चूंकि हो सकता है कि आपका किसी और कैटेगरी का चैनल हो, मेरा किसी और कैटेगरी का चैनल है, तो मेरे व्यूवर हो सकता है कि दोपहर में 3 बजे एक्टिव होते होंगे, हो सकता है मेरे व्यूवर शाम में 6 बजे एक्टिव होते होंगे, या फिर सुबह में 12 बजे। ओके, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है। आप अपने YT स्टूडियो से ही चेक कर सकते हो कि आपको किस टाइम में आपको वीडियो अपलोड करनी है। ओके, मैं आपको प्रोसेस बाय बताऊंगा, जिसको देखकर आप खुद आप अपने हिसाब से अपना टाइम का अंदाजा लगा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, देन चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसी टाइप का इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ। ओके, देन चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, बट इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम जो वीडियो अपलोड करने का हमारा टाइमिंग नहीं पता होता है कि हम किस टाइम पे वीडियो अपलोड करें। दोस्तों, अगर आप किसी और यूट्यूबर का देखते हो कि अगर कोई बंदा 2 बजे वीडियो अपलोड करता है, और अगर आप भी उसी को देखते हुए 2 बजे अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपका चैनल वायरल नहीं होगा, क्योंकि आपके ऑडियंस का टाइमिंग अलग हो सकता है और उसके ऑडियंस का टाइम अलग हो सकता है। सो हर कोई का टाइमिंग अलग है, और टाइमिंग आपको सब कुछ YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन में ही शो हो जाती है, तो देखते रहिए। देन दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आप जैसे वीडियो अपलोड करते हो वैसे वीडियो अपलोड कर लेना, और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपने वीडियो को पब्लिक मत करना, पब्लिक की जगह पे अनलिस्टेड कर देना। अनलिस्टेड करने के बाद आपको वेट करना है कि कब आपके ऑडियंस जो है एक्टिव रहते हैं। ऑडियंस एक्टिव चेक करने के लिए आप देख लो, आपको एनालिस्टिक पे जाना है। बीच में आपको एनालिस्टिक का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस ऑप्शन पे जाना है। एनालिस्टिक ऑप्शन पे जाने के बाद यहां पर आपका कैसा यूजर कैसा आपको व्यू देख रहा है, जैसे कि मेरा 9000 व्यू आया है ये 28 दिन में, ये सब मुझे पता चल रहा है। देन उसके बाद 195 आवर है, और उसके बगल में देखोगे तो कितना सब्सक्राइबर गेन हो रहा है, ये सब मुझे यहाँ पे पता चलता है। बस जो हमें जो जानना है वो क्या जानना है, आप YouTube स्टूडियो से ही ना आप कंटेंट पता कर सकते हो कि कौन सा कंटेंट हमें अपलोड करना है, रियल टाइम व्यूअर कितने हैं, कैसा टॉपिक में मैं वीडियो अपलोड करूँ, किस टॉपिक में मेरा सबसे ज़्यादा व्यू आ रहा है, ये सब आप यूट्यूब स्टूडियो से ही देख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर ऑडियंस की। तो ऑडियंस के लिए आपको ऑडियंस वाले सेक्शन में जाना होगा। ऑडियंस वाले सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके कौन सा ऑडियंस कितने दिन आपका कैसा व्यू गया है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका किस एज का आपका ज़्यादा ऑडियंस है। जैसे कि मेरा देखोगे तो मेरा 18 से लेकर 24 और 35 से लेकर 34, इतना मेरे पास ऑडियंस है। उसके बाद ना के मुकाबले है, बट जो मेन है ना वो है 18 से लेकर 34 तक मेरा ऑडियंस है, एज के ऑडियंस है मेरे। और इसमें से भी 94% जो है वो है मेल है, और बाकी का कुछ इन्फॉर्मेशन वो सब नीचे में है जो कि हमारे काम का नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात ये आती है कि किस टाइम पे हम वीडियो अपलोड करें, वो ये रहा, व्हेन योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब, यानी कि आपका व्यूअर यूट्यूब पे ऑन कब है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अब आपको समझना ये है कि मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हर दिन अलग अलग टाइमिंग पे भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, और आपके व्यूअर को एक्टिव कब है आप उसके अंदाजे से कर सकते हो। एक तो दोस्तों ये होता है कि आप जिस टाइम वीडियो अपलोड करोगे आपका व्यूअर उस टाइम एक्टिव होकर आपका वीडियो देख लेगा। ये कब होगा, जब आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे, कि आपका व्यूअर वेट करेगा कि भैया कब वीडियो अपलोड होगी। बट जब अभी तक आप फेमस नहीं हो तो फिर तो आपको ऐसे टाइम पर अपलोड करना होगा ना जब आपका व्यूअर एक्टिव हो। तो यहाँ देखो, मैं आपको ये समझाता हूँ इसको देखने का तरीका। ये लोकल टाइम के हिसाब से, यानी कि हमारे लोकल टाइम के हिसाब से डे वाइज है, यानी कि मंडे ट्यूजडे पर लग ऑलमोस्ट देखोगे तो हर दिन यहाँ पे जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ज़्यादा आपके ऑडियंस एक्टिव है। मान लो यहाँ पे पूरा वाइट है ऊपर में, तो ये टाइमिंग है रात के 12 से लेके सुबह के 4 बजे तक। तो रात के 12 से सुबह के 4 बजे तक मेरे ऑडियंस एक्टिव नहीं रहते, सबके सब सोए रहते हैं। तो अगर मैं रात के 12 से लेके सुबह के 4 बजे तक कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उस पर वीडियो नहीं, उस पर व्यू नहीं जाएगा, और ऑडियंस रिटेंशन भी उस वीडियो पर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि रात से लेके 4 बजे तक वीडियो अपलोड करना बेवकूफ़ी होगी, और कोई भी नहीं करता है, ये तो फैक्ट है। उसके बाद यहाँ पे अब आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ से लेके ये सुबह के 6 बजे से लेके शाम के
यहाँ पे 10 बजे तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भाई कुछ है, बट सुबह में 6 बजे भी देखोगे तो मेरे में उतना कुछ है नहीं, हल्का फुल्का वाइट दिख रहा है, तो इसमें भी मेरा व्यूवर उतने जगे हुए नहीं रहते हैं। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे मेरे व्यूवर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है जगे हुए रहते हैं वो है दोपहर के 12 बजे। यहाँ पर देखोगे तो दोपहर के 12 बजे एट अ टाइम कंटिन्यू ऑल यूजर मेरे एक्टिव रहते हैं दोपहर के 12 बजे, एंड उसके बाद शाम के 6 बजे यहाँ पर देखोगे तो शाम के 6 बजे मेरे व्यूवर मुझे एक्टिव रहते हैं। सो इसके हिसाब से आप अपना चेक करो कि आपका व्यूवर कब एक्टिव रहता है, उस टाइम में आप अपना वीडियो को अपलोड कर दो, वेट करो टाइमिंग का। या तो अगर मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे, मान लो कि अगर आपका भी ऐसा सो रहा है तो मेरा वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइमिंग है सुबह के 12 बजे, नहीं तो शाम के 6 बजे। इस टाइम में अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरे वीडियो पर व्यू आ जाएंगी। सो अगर मैं दिन के 2 बार वीडियो अपलोड करता हूँ तो एक मैं सुबह के 12 बजे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, एक वीडियो मैं अपलोड कर सकता हूँ शाम के 6 बजे। सो इस टाइप से आपको टाइमिंग पता चल जाता है, आपका बेस्ट टाइमिंग पता चल जाता है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय।